की तरफ से जो लगातार पिछले एक साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो, दुनिया की ताकतों को इसराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको ज़ख्मी करने का जो सिलसिला लगातार एक साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो हैं नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इसराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश कर। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कल एक पोस्ट पर लिखा कि लेबनान और गजा के शहदा बिलखसूस हसन नसरल्लाह के साथ इजहार यकजहती के लिए उन्होंने अपनी आज की इंतखाबी मुहिम मनसूख कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा था कि गम की इस घड़ी में वो फलस्तीन और लेबनान के अवाम के साथ खड़े हैं। उधर